नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत अच्छी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, ये हमने भिंडी के पौधे लगाए हैं, इनको हमने मार्च में लगाया था और अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इन पर हमने कई बार भिंडी तोड़ ली है और अब भी बहुत अच्छी भिंडी आई है। इसके जो ये पत्ते हैं ना, कुबने वाली छोटी सी कोई कीट आता है उस पत्ते काट लेता है। अब तो नहीं आता, अब तो अच्छे पत्ते आ रहे हैं, क्योंकि हमने हींग और जो हल्दी होती है, लहसुन होती है, उन सभी का पेस्ट बनाकर पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे किया है। तो अब वो आता नहीं, क्योंकि सभी को जीने का हक है, हमें किसी को हानि नहीं पहुँचानी, चाहे वो कीट है कुछ भी है। बाकी देखो, ये हमारे यहाँ पर तितली उड़ रही है, पीले कलर की, छोटी सी है और कितनी प्यारी है। ये बैठ गई है, ये बैठ गई है फूल के अंदर, पत्ते की छाया है इसके ऊपर। कितनी प्यारी है, छोटी सी, बिल्कुल प्यारे पीले रंग की है। जहां पर फूल होते हैं वहां पर तितलियां आ ही जाती हैं। और भिंडी पर बहुत प्यारे और बहुत सारे फूल भी आए हैं भिंडियों पर, तो बहुत सारी उड़ती रहती हैं ये। अब तो ये एक ही दिखाई दे रही है, बाकी बहुत सारी तितलियाँ हो जाती हैं यहाँ पर। और भिंडी को लगाना बहुत आसान है, जब आप इसका बीज लगाओ तो उसमें गोबर की खाद मिलाओ मिट्टी में, उसको भुरभुरा करो और भिंडी के बीज डाल दो, बस भिंडी उग जाती है। और हमने जो ग्राउंड फ्लोर पर लगाई, हमने यहाँ पर सारी सब्जियाँ लगाई हैं, लौकी, कद्दू, तोरी, करेला, जो भी होती है सभी सब्जियाँ लगाई हैं। और सभी आने भी लगे हैं, हार्वेस्ट भी करते हैं हम, और भिंडियाँ भी कई बार हार्वेस्ट की है हमने। बाकी है, जब बरसात होगी तो हम इसमें जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको निकाल देंगे, जिससे अच्छी हवा लगे, क्योंकि इनमें हवा नहीं लग पाती ज़्यादा, जो हैं पास पास पेड़ हैं। और इधर से हमने थोड़ी घास निकाली है जिससे इनमें हवा लगे। गर्मी इतनी है कि ज़्यादा काम हो नहीं पाता गर्मी में। देखो, यहाँ पर थोड़ी निकाली है, बाकी बारिश होगी, कुछ मौसम बदलेगा तो इनकी सभी की सफाई होगी। और इनकी मिट्टी को खोद कर इसमें थोड़ा सा और गोबर का खाद मिलाएंगे, इससे इन्हें अच्छे खाद पानी मिले। और कितनी भिंडी आई है, जहाँ बारिश होनी शुरू हुई तो एक पेड़ से काफ़ी सारी भिंडी उतरती हैं। और भिंडियों की हार्वेस्टिंग ऐसी है, जैसे आज आपने आज की तो तीसरे दिन फिर से तैयार हो जाती है, सबसे जल्दी तैयार होती है भिंडी। थोड़ी सब्जियाँ सभी को लगानी चाहिए, क्योंकि जो बाजार की सब्जियाँ होती है ना, उन पर पेस्टिसाइड का यूज होता है। और ये हमारा जो होता है अमरूद का पौधा, इसको भी हमने फरवरी में लगाया था, अब के पौधे तो चल नहीं पाते, इतने स्वस्थ पत्ते आए हैं। जो हमारा होममेड पेस्टिसाइड होता है उसका असर होता है पौधों पर। ये बोलते हैं सब की नहीं नहीं होममेड दवाइयाँ कुछ काम नहीं करती, करती हैं भाई, करती हैं, आप यूज करके देखो तो करती हैं। और इतनी गर्मी में तो अगर बाजार की दवाई डाल दो तो पौधा खराब हो जाता है। काफ़ी सारी लगाई है हमने अपनी भिंडियाँ, ही इतना बीज था पूरा पैकेट लगा दिया। ओके, बाय।